यूपी का मुकुट कहे जाने वाले नोएडा में विमेन सेफ्टी और अवेयरनेस आजकल सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर आज ज्यादातर राज्यों की सरकारें परेशान हैं। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर नोएडा जिला प्रशासन और नोएडा पुलिस की तरफ से कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है। इन अभियानों के तहत नोएडा में पढ़ने वाली छात्राओं से लेकर हर वर्ग की महिला को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विमेन सेफ्टी और अवेयरनेस को लेकर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी की ओर से नोएडा सेक्टर 62 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व नोएडा महिला सेल की DCP प्रीति यादव ने किया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए नोएडा के ट्रैफिक सेल, फायर डिपार्टमेंट, नोएडा पुलिस और नोएडा डॉग स्क्वाड की टीमें मौजूद रहीं। नोएडा फायर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने छात्राओं को बताया कि आग लगने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसे कैसे बुझाया जा सकता है। सबसे पहले मोस्टली आग जो भी लगेगी ट्यूब से, तो उसका रेगुलेटर हम आसानी से बंद कर सकते हैं। एक तो बहुत गीला कपड़ा, कोई बड़ा सा देखें, पुराने टाइम में पूरी वगैरह जो होते थे अब तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी बड़ा सा गीला करेंगे और उस जगह बहुत तेजी से उसको मारेंगे जहाँ पे आग लगी हुई सिलेंडर। इससे क्या होगा, जब तेजी से हम उसको मारेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी उस तरीके से। नोएडा डॉग स्क्वाड से सब इंस्पेक्टर कृष्णकांत ने छात्राओं को बताया कि घटना के बाद कैसे डॉग स्क्वाड की मदद से अपराधी को पकड़ा जाता है। डॉग स्क्वाड की टीम जब तक मौके पर पहुंचे तब तक पीड़ित को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं विमेन सेल की DCP प्रीति यादव ने भी छात्राओं को सेफ्टी के बारे में कई सारे टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि कैसे और किन परिस्थितियों में डायल नंबर 112 का यूज करना चाहिए। So, अगर आपके साथ कोई भी क्राइम हो रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे क्राइम होने की संभावना है, द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज अराउंड यू, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई क्राइम हो सकता है, आपको चार पांच लोग लाठी डंडा लेके दिख रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ हॉट टॉक भी हो रही है, अब यहाँ पे कुछ होगा, हुआ नहीं है अभी कुछ, तो आप वेट नहीं करेंगे कि कुछ हो जाए, एक आधे का सिर फट जाए फिर उसके बाद हम पुलिस को बताएंगे। हम पहले ही 112 को डायल करके बता देते हैं कि यहाँ पर जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे कोई क्राइम हो सकता है। प्रीति यादव ने छात्राओं को 1090 डायल नंबर के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि 1090 नंबर सिर्फ महिलाओं की मदद करने के लिए है। नंबर का इस्तेमाल करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है और अगर कोई चाहता है कि पुलिस उनके दरवाजे न पहुंचे तो जानकारी देने पर पुलिस की ओर से किसी NGO को भी मदद के लिए भेजा जा सकता है। अगर आप कंप्लेनेंट ये चाहें कि हमें पुलिस से नहीं बात करनी, या आपने पुलिस के पास आप गए आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, तो आप चाह रहे हैं किसी NGO के थ्रू हमें हेल्प हो जाए या कोई सिविलियन आ जाए। कई बार हमें लगता है हमारे घर पे पुलिस आए ही ना, हमारे साथ कुछ गलत तो हुआ, पर पुलिस के चक्कर नहीं काटने, पुलिस नहीं आ जाए, सोसाइटी में पुलिस आ गई तो लोगों को लगेगा पता नहीं इनके घर में कुछ गड़बड़ है, तो उस इमेज को बचाने के चक्कर में हम जो है नहीं रीच आउट करना चाहते पुलिस को। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी हेल्पलाइन नंबर पर बता सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट पर्सन को कि हमें पुलिस की हेल्प नहीं चाहिए, आप सिविल में किसी को भेज दो या किसी NGO के माध्यम से हमारी मदद कर दो। सो वी डू दैट। महिला सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस के इस अभियान की दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी की डायरेक्टर सुष्मिता बाला समेत कार्यक्रम में पहुंची छात्राओं ने जमकर तारीफ की। उनका कहना है महिलाओं की सेफ्टी और सशक्तिकरण को लेकर पुलिस के प्रयास से उन्हें काफी अहम जानकारियां मिली हैं। आज जिस तरह का प्रोग्राम है उसमें वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के अलावा फायर रिलेटेड चीज़ें कुछ बताई गई, तो ये बहुत अच्छा था। ट्रैफिक से रिलेटेड बताया एंड स्निफर डॉग्स जो यूज़ होता है फॉर सर्चिंग क्रिमिनल्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे 100 नंबर की बात हुई कि 100 नंबर पर डायल करना है, तो 100 नंबर पर डायल नहीं करना है, 112 पर डायल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं थी। हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो आज तक शायद हमको पता भी नहीं थी। तो एक जो सबसे बड़ी अप्रोच उनने भी डिस्कस करी कि
हमें थाना नहीं जाना, वो चीज़ हमें ख़त्म करनी चाहिए, बिकॉज उसके उसके करे बिना हम लोग घर पे बैठ के ही जज कर लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, हमें जज किया जाएगा। उसकी वजह से भी इतने सारे केसेस हैं जो हिडन रह चुके हैं, जो गए नहीं है कभी भी, और पीपल आर सफरिंग विद दोस थिंग्स। जाहिर तौर पर इन दिनों जिस तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस का ये अभियान वाकई काबिले तारीफ है। इससे न सिर्फ छात्राओं से लेकर महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि समाज में बढ़ते अपराध पर भी लगाम लगेगी।